हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो जल्दी से जुड़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा बैच स्टार्ट हुआ और उसमें आप लोग जुड़ते गए, और जितने लोग नहीं जुड़ते गए वो जल्दी जल्दी इसमें जुड़ते जाएँ, ताकि उनको क्या हो, टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप बैचेस हैं, और इसमें फ़ायदा नहीं उठा पाए तो कहाँ फ़ायदा उठाएंगे, राइट? तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी प्रिपरेशन आपका अनअकैडमी। तीन बैच स्टार्ट हुए, टीम फिनिक्स, सफलता और संकल्प। तीनों बैचेस के कॉमन पॉइंट्स ये हैं कि अभी ये रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है 28 जुलाई से एक नया बैच, जिसमें फुल सिलेबस कवर कराया जा रहा है एसएससी एग्जाम का। टॉप एजुकेटर्स कंट्री के मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, वीकली क्विज मॉक टेस्ट है और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। आपको कॉम्बो प्राइस जो है आपका एसएससी बैंक कॉम्बो मिल रहा है। यहाँ पर आप कोड को अप्लाई करिए, कोड को अप्लाई करके 10% का ऑफ पाइए। साथ ही साथ अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पर 40 क्वेश्चन 50 मिनट में पूछे जा रहे हैं। 1 करोड़ तक आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है? तो आपको जो सुटेबल हो आप उसमें दे सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोड को यूज़ करना है, ठीक है बेटा? कोड को यूज़ करना है और रैंक लानी है। इसके अलावा आपको हमारा कोर्स है 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, जब भी परचेस करें कोड लगाएं SANGEET संगीता, और इससे 10% का बिल्कुल ऑफ पाएंगे, ठीक है? बिल्कुल ऑफ पाएंगे। तो इसके बाद हम टेलीग्राम चैनल देख लेते हैं, लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा? साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। एंड द राइट आंसर इज कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता कौन था? प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता कौन थे? आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है रवींद्रनाथ टैगोर, ठीक है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम, शक संवत, कली संवत या इनमें से कोई नहीं। ओके, राइट आंसर इज सच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस, रॉबर्ट टोर टेसेल। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। एंड द करेक्ट आंसर इज विनोबा भावे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर अरविंद घोष. नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है. एंड द करेक्ट आंसर इज सर विलियम जोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रवीन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा द कोड, डांसर, कपाल कुंडला, चित्रा गंदा. एंड द राइट आंसर इज कपाल कुंडला. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए क्या होगा. एंड द राइट आंसर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? एंड द करेक्ट आंसर इज रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुइटस और एडवर्ड बेकर, एफ एस ग्राउसे और आर एफ चिशोल एंड एच इरविन, या जी विटेट और स्विनफॉन जेपेक. आप लोग प्लीज करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा. तो राइट आंसर इज एडवर्ड लुइटस, एडवर्ड बेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसने 1898 में ईस्वी में बनारस से सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? देते जाइए बेटा आंसर, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, लॉर्ड डॉफरिन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. एंड द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड लुइटस और एडवर्ड बेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू और मैडम भीखाजी कामा. करेक्ट आंसर इज मैडम भीखाजी कामा. नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, फणीश्वर नाथ रेणु. तो करेक्ट आंसर बताना है आपको क्या होगा. तो राइट आंसर मैं बता देती हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय. नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? देते जाइए बेटा राइट आंसर, आप लोग देते जाइए. चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं आप लोग को आंसर देने का. ओके, करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा. तो इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग राइट आंसर दीजिए.
प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु, महादेवी वर्मा। या देखो जिसको आंसर आता है प्लीज आप लोग देते जाओ आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इज प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद्र। ओके, राइट आंसर इज रवीन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी या फिर कौन है बताइए। हाँ जी बेटा, आंसर देते जाइए ना तो अच्छा रहेगा। ओके, करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 दिसंबर 1911 पे पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान, जेम्स हिक्की। एंड द करेक्ट आंसर इज जेम्स हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत पूछा जाता है गोदान किसकी रचना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मंसूर आलम, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद अली जिन्ना। प्लीज आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा राइट आंसर। ओके, सभी लोग देखो, सभी लोग आंसर दो, ठीक है? करेक्ट आंसर इज राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी,
मुल्क राज आनंद, विष्णु शर्मा। देन करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, राइट आंसर क्या होगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, मुल्क राज आनंद, विष्णु शर्मा। राइट आंसर इज मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी है? स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। ICS। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत भारती की रचनाकार कौन है? भारत भारती की रचनाकार महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। देख लें, राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, या फिर शिक्षा। प्लीज आप लोग आंसर रिप्लाई करिए आप। ओके, करेक्ट आंसर इज शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? हाँ जी, राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लाई वेल्सली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और आंसर सही दीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। करेक्ट आंसर, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, केवल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी?
गिरीश चंद्र घोष, एस एन बनर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष। करेक्ट आंसर इज शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, लीडर या फिर फ्री प्रेस जर्नल? आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो देख लेते हैं राइट आंसर इसका, लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। एंड द करेक्ट आंसर इज श्यामलाल गुप्त पार्षद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज आप लोग राइट आंसर दीजिए। ओके, राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताना है ना। राइट आंसर इज 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1793 का चार्टर एक्ट, 1786 का एक्ट या 1830 का चार्टर एक्ट? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप ही को सही आंसर देना है ना। देते जाइए बेटा आंसर, जितने लोग को आता है ना सभी लोग आंसर दो। चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। 1786 का एक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उपन्यास दुर्गेश चंदनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वर्ण कुमारी, तारकनाथ गंगोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, राइट आंसर देख लें, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफअली, तारकेश्वरी सिन्हा, कमला रानी सिंह, राबड़ी देवी? आता है तो आंसर देते चलो, है ना। राइट आंसर देख लें, अरुणा आसफअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नव गोपाल मित्रा, गिरीश चंद्र घोष? प्लीज आप लोग राइट आंसर बताइए, अच्छा लगेगा आप लोग राइट आंसर देंगे तो।
ओके राइट आंसर देख लें। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930 में, 1933 में, 1937 में, 1936 में। तो राइट आंसर, चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1878 का वॉर्नर क्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना क्या होगा? आता है तो प्लीज आप लोग आंसर जरूर दीजिए ना। एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, लाला हरदयाल, जीडी कुमार, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, लाला हरदयाल, जीडी कुमार, तारकनाथ दास। करेक्ट आंसर बताइए। ओके राइट आंसर तारक दास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, वैलेंटाइन शिरोल। बताइए भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, वैलेंटाइन डिशोल सिरोल। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? सीवी रामन पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले, सी एन मुदालियर या सी आर रेड्डी। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? सीवी रमन पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले, सी एन मुदालियर, सी आर रेड्डी। ओके राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए यार आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर इज के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता? निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या फिर उर्दू। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या फिर उर्दू। करेक्ट आंसर बताइएगा ठीक है। राइट आंसर तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स और जॉन एडम्स, डलहौजी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? वेल्सली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, स्थाई बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन या फिर सहायक संधि। सबसे बाद में क्या हुआ दे दीजिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंगाल का विभाजन। तो ये थे आपके क्वेश्चंस 50,
30 मिनट्स एंड 50 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोड का यूज करना मत भूलिए, SANGEETA संगीता, ये मेरा कोड है, लगाइए जरूर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच क्लास, लगातार बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन, नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।